एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो मास्टर आस्था पर। आज हम आपको जीएस जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और उनके आंसर्स भी। तो हम अपना शुरू करने से पहले बताएंगे कि कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत आवश्यक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एड्स जो है वो किस वजह से होता है। एड्स विषाणु की वजह से होता है, यानी विषाणु से होता है। और एड्स जो होता है AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है और एड्स विषाणु से होता है। एड्स रोग है और ये बहुत प्राण घातक रोग है और ये जो होता है विषाणु की वजह से होता है, यानी विषाणु से होता है। और दूसरा है कि RBC का निर्माण कहाँ पे होता है और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है। तो RBC का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। यानी कि RBC का जो कह सकते हैं कब्रिस्तान वो प्लीहा में होता है और इसकी मृत्यु बोन मैरो में होती है। वो इसका निर्माण बोन मैरो में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। और अगला हमारा है कि लार जो है किसके पाचन में सहायता करती है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है और लार जो होता है उसमें कौन से एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है कि टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है। और हमारा सेकंड है कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो विषाणु की वजह से होती है, विषाणु से होता है। तो जो विषाणु होता है यानी वायरस, इसकी खोज आई बानोवस्की ने की थी। और इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होता है। और अरक्तता रोग यानी खून की कमी, अरक्तता रोग जो है कि RBC की कमी से होता है। और RBC यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, जो ब्लड में पाया जाता है। तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिका या फिर लाल रुधिर कणिका कह सकते हैं। तो ये अरक्तता रोग जो है कि RBC की कमी से होता है। और RBC यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। और जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम मुख्यतः यानी ये मुख्यतः प्रोटीन होते हैं एंजाइम, जैसे कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो टाइलिन होता है, और ये सब मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। और ये जुखाम जो होता है ये किस कारण से हो जाता है। जो जुखाम होता है ये विषाणु यानी वायरस की वजह से हो जाता है या फिर विषाणु के कारण से हो जाता है। तो संसार में जो होता है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो संसार में सबसे तेज वृद्धि करने वाला जो पौधा है वो होता है बांस। यानी संसार में सबसे तेज वृद्धि करने वाला पौधा जो है वो बांस होता है। और हमारा अगला है कि डेंगू बुखार में शरीर में क्या मतलब फर्क पड़ता है। तो जो डेंगू बुखार होता है इसकी वजह से, यानी जब ये बुखार हो जाता है तो इससे प्लेटलेट्स यानी इंसान की प्लेटलेट्स घट जाती हैं। तो जब बुखार यानी डेंगू वाला बुखार आपको होगा तो आपको यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो अगला हमारा है कि WBC का कार्य क्या होता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये मुख्यतः ब्लड यानी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। तो WBC का कार्य जो होता है प्रतिरोधक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC का कार्य होता है प्रतिरोधक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। धन्यवाद।